मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सहपुरा विकास खंड के अंतर्गत कुल 69 ग्राम पंचायत हैं और इन पंचायत के सभी सचिव और रोजगार सहायक 23 फरवरी 2016 से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी पंचायत कार्यालयों में ताला बंद है और पंचायत में चल रहे कार्य जैसे खेत सड़क, मेड़ बांध, बोल्डर बांध, कुआं निर्माण आदि अन्य कार्य बंद पड़े हुए हैं और इनमें जो मजदूर काम किए हैं उनका भुगतान भी बाकी है। आए दिन गांव की जनता सरपंच से सवाल जवाब करते हैं। मेरा नाम श्रीमती कौशल्याबाई है, मैं ग्राम पंचायत अमेरा की सरपंच हूँ और सरपंच संघ की उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि जो रोजगार सहायक सचिव हैं और सचिव हैं वो अपने मांगे पूरी करके लौटें वापसी, यथावत पंचायतों में काम करें या तो फिर उनकी मांग पूरी ना हो तो हड़ताल वो करते रहें, लेकिन ग्राम पंचायतों में कार्य में अवरोध पैदा ना होना चाहिए। हमारी कहना ये है कि जो एक महीने से करीबन हमारी पंचायतों में अभी पेमेंट नहीं हुआ है और सवाल जवाब पब्लिक हमें रोज आके करते हैं कि ये पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अभी एफटीयू नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से ये पेमेंट हो जाए। और जब सक्षम है सरपंच पंचायतों की तो क्या सचिव और रोजगार सहायक के बिना कोई काम नहीं कर सकते? क्या ये भी तो काम कर सकते हैं, लेकिन इनको मतलब कहना चाहती हूँ कि ये अपने हड़ताल खत्म किया जाए या तो फिर इनको अलग कर दिया जाए। ये पेंडिंग वाला काम है और मैट लोग डिमांड देते हैं लेकिन रोजगार सहायक डिमांड नहीं देता, ये इनका हड़ताल चल रहा है ऐसे करके डिमांड नहीं दे रहे। जो अभी अपूर्ण चल रहा है काम पूरा होना चाहिए, कैसे कि पिछला भी गत वर्ष भी ऐसा ही कुआं नहीं बन पाया था ना, ऐसे ऐसे बरसात आ जाएगा। ये कब खुदा था ये कुआं? ये 2 वर्ष हो गए। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि हमारे पंचायत मंत्री भोपाल श्री गोपाल भार्गव जी, उनका मोबाइल नंबर है 94-25-17-12-42, इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि हमारे पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चल सके। मैं सरोज परस्ते, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।